अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर शेख उमर सऊद और मैं इस वक्त मौजूद हूं होम्योपैथिक डॉक्टर सिद्दीक अली अंसारी मदनी साहब के साथ इनके ऑफिस में, और बहुत ही अहम बात करने के लिए मैं इनके पास हाजिर हुआ हूं। नाज़िन, आप सब जानते हैं और मैं इस वक्त बात करना चाहता हूं अपने तमाम होम्योपैथिक डॉक्टर से, स्टूडेंट से, और ख़ास तौर पर उन लोगों से जिन्होंने रिसेंटली पास आउट किया है। देखिए, एक होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए रजिस्ट्रेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अभी हम जैसे देख रहे हैं कि हेल्थ कमीशन बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और अगर वो एक्टिव ना भी हो तो आपकी ये जो है ना शनाख्त है, रजिस्ट्रेशन का होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी एक जो है वो सेफ साइड हो सके। तो आज हम डॉक्टर सिद्दीक अली अंसारी साहब से बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, और हम आपके लिए एक पैकेज भी लेके आए कि हम डॉक्टर सिद्दीक अली अंसारी साहब से मैंने बात की कि कुछ ऐसा प्लान बनाएं कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो बहुत ही आसानी से रजिस्ट्रेशन उनकी आ सके हमारे पास। तो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सऊद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी टॉपिक पर आज आपने जो है ना आवाम को आगाही के लिए और होम्योपैथिक डॉक्टर को अवेयरनेस देने के लिए आपने ये आज ये वीडियो का एहतमाम किया है। मैं अपने तमाम ऐसे स्टूडेंट्स और पास आउट स्टूडेंट्स जो अब बहरहाल DHMS फोर्थ ईयर पास कर चुके हैं, उनको एक ज़बरदस्त ऑफ़र मैं देना चाहता हूँ डॉक्टर सऊद के हवाले से, कि आप आइए और जल्द से जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन, जिसे हम RHMP कहते हैं और आसान जबान में समझ लें तो इसको लाइसेंस कहते हैं। बिल्कुल, यानी इस लाइसेंस को सऊद भाई हासिल करने के बाद जो है ना आपको पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह, किसी भी शहर और किसी भी कोने में होम्योपैथिक प्रैक्टिस करने की कानूनी इजाज़त मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसका बिल्कुल आसान तरीका सऊद भाई बताऊं? जी जी, इसका बिल्कुल आसान तरीका ये है कि चारों साल की पास मार्कशीट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर की लेकर आएँ, CNIC लेकर आएँ, 5 अदद तस्वीरें लेकर आएँ, और मैट्रिक सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन अपने मुतल्लिका यानी कंसर्न बोर्ड से करा के लेकर आएँ। सऊद भाई, बिल्कुल आपके हवाले से आने वाली तमाम रजिस्ट्रेशन जो मुझे आज मौसूल होंगी, इंशाल्लाह ताला 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये बनकर आपके डॉक्टर्स को और जो हमारे सामईन हैं, जो हमें सुन रहे हैं, उनको उन तक पहुँचा दी जाएंगी। इसमें सऊद भाई ने मुझे एक बहुत ही खसूसी दरख्वास्त की है कि ऐसे नादर तालबात और तुलबा जो अपनी रजिस्ट्रेशन कराने की सकत नहीं रखते, बिल्कुल, बिल्कुल, उनके साथ हमारा बहुत ही खसूसी पैकेज है, और बहुत सारे बच्चों के साथ इंशाअल्लाह ताला हम इंडिविजुअली जो है ना इनके लिए काम करेंगे, और इनको जो है ना रजिस्ट्रेशन कराने में और इसकी फीस की मद में हम बहुत तआवुन करेंगे इंशाअल्लाह। सऊद भाई के हवाले से आए बच्चे, मेरे हवाले से आएँ, हम उनको वेलकम करते हैं। जी सऊद भाई। जी जी इंशाल्लाह, और आप सबको मैंने जैसे कि बताया कि रजिस्ट्रेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप होम्योपैथी डॉक्टर हैं और आपके पास रजिस्ट्रेशन कार्ड है, तो काइंडली मैं आप सबसे एक दफ़ा दरख्वास्त करूँगा कि आप उसको निकाल के देखें कि कहीं वो एक्सपायर तो हो नहीं गया, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे जहन में बात नहीं आती और हमारी रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाती है, और जब हेल्थ कमीशन वाले सर हमारे पास आते हैं, चेक करते हैं, तो वो कहते थे आपकी रजिस्ट्रेशन ही एक्सपायर है। याद रखें, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है और वो एक्सपायर है, जब भी आप क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ऐसे ही सर। जी बिल्कुल सऊद भाई, आपने एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट नुक्ते की तरफ तवज्जो मबजूल कराई है। यकीनन सऊद भाई, आप रिन्यूअल की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इससे पहले हमने जो बात की वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन की बात की है, और अब जो सऊद भाई बात करना चाह रहे हैं वो रिन्यूअल की बात की है। रिन्यूअल कराने का प्रोसेस हुकूमत पाकिस्तान नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी की जानिब से इंतहाई आसान और सहल है। लास्ट रजिस्ट्रेशन की कॉपी आपने जमा करानी है, CNIC देनी है, और 4 अदद तस्वीरें, ये 3 चीज़ें चाहिए। लास्ट रजिस्ट्रेशन की कॉपी, CNIC की कॉपी और 4 अदद तस्वीरें। और इसके लिए मैं सऊद भाई आपसे वादा करता हूँ कि इस वीडियो के तवसुत से या आपके तवसुत से ऐसे होम्योपैथ डॉक्टर जिनकी रिन्यूअल बननी है, वो इंशाअल्लाह ताला हफ्ते 10 रोज़ के अंदर हम कराने की भरपूर कोशिश करेंगे। और इनके लिए भी और सऊद भाई, मेरा बहुत ही खसूसी एहतमाम है कि जो लोग नहीं कर पा रहे हैं पाकिस्तान के इस वक्त जो माली मुश्किलात बिल्कुल के हवाले से है, तो हम उनकी भरपूर मदद करेंगे। जी सऊद भाई बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ कि इसमें बिल्कुल भी आप सबको इंतज़ार की ज़रूरत नहीं। अगर आप किसी डॉक्टर को जानते हैं तो ज़रूर ये वीडियो पैगाम उस तक पहुँचाएँ ताकि वो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन हासिल कर सके। और एक आपके जहन में जो बात होती है, और मैं देखता हूँ कि हमारे होम्योपैथी डॉक्टर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होते हैं रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन हो, तो हमने आपके लिए बिल्कुल आसान बना दिया है।
सर ने डॉक्यूमेंट के नाम ही बता दिए, सर का फ़ोन नंबर भी स्क्रीन पर है, मेरा फ़ोन नंबर भी स्क्रीन पर है, आप हमसे रब्ता करने के बाद वो कर सकते हैं। सिंध के किसी भी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं आप, चाहे आप कराची से हैं, मीरपुर खास से हैं, हैदराबाद से हैं, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है या रिन्यूअल करवाना है तो हमारे नंबर पर रब्ता करें। हाँ, हम इंशाल्लाह इतना आसान तरीके के ज़रिए और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन और वो कार्ड आपके पास होगा इंशाल्लाह। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सऊद भाई एक बात ऐड करना चाहूँगा अंदरून सिंध के हवाले से, हमारे एक और मौजूद मेंबर नेशनल काउंसिल बराए होम्योपैथी हुकूमत पाकिस्तान जनाब होम्योपैथिक डॉक्टर आसिफ अशरफ खान, और उनका स्टोर है लजपत रोड पर, आप वहाँ भी जा सकते हैं। एक हमारा होम्योपैथिक कॉलेज है जिसका नाम फाउंडेशन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, आप वहाँ जा सकते हैं हैदराबाद में। बिल्कुल, इन दोनों जगहों पर आप जाएंगे, आपको इस पैकेज से भी फ़ायदा होगा और आपकी मावनत और मदद भी की जाएगी। ठीक है, तो आप सब रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल और इस वीडियो को तमाम होम्योपैथिक डॉक्टर और स्टूडेंट तक शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया।